हेलो स्टूडेंट दिस इज आवर रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन नंबर लाइन पर हम लोग नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़े आराम से देखो नेचुरल नंबर क्या है वन टू थ्री फोर फाइव टू इन्फिनिटी इसका मतलब हम लोग नेगेटिव साइड को निगेटिव साइड की ओर प्रोसीड नहीं करना है ठीक है यानी वन टू थ्री हम लोग स्टार्ट करेंगे कहा स्टार्ट से? से. तो किया वन टू थ्री फोर फाइव दिस विल बी टिल द दिस इज एरो लाइन ये इनिटी तक को शो करता है हम लोग नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट बड़े आराम से किया होल नंबर को करना रहेगा तो सिमिलरली केवल जीरो एडअप कर देंगे जीरो वन टू थ्री फोर ये हमारा होल नंबर आ गया इंटीजर्स में क्या होता है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर या नेगेटिव ऑफ काउंटिंग काउंटिंग नंबर प्लस जीरो प्लस काउंटिंग नंबर तो जीरो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स पहले काउंटिंग नंबर लिखेंगे वन टू थ्री फोर अब नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री नंबर लाइन में जीरो के राइट right साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर को डिनोट करते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर को डिनोट करते हैं बट व्हाट अबाउट रेशनल नंबर इस पर ही फोकस अभी ये सारा तो हम लोगों को classes में पढ़ चुके हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में था अगर हमें वन बाई टू रिप्रेजेंट करना है तो हम कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे देखो सबसे पहले इसके लिए भी हमें क्या करना है कि जीरो को कंसीडर करना है जीरो एक किसी भी लाइन को जीरो हम लोग लो, ले लो अगर उसके राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव माइनस वन माइनस टू अब है नंबर वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू को अगर डेसिमल में लिखते हैं तो जीरो पॉइंट फाइव आएगा इट मीन ये जीरो और वन के बीच में है जीरो और वन के बीच में ये वन बाई टू ठीक है इसके इसका डिटेल जो है रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और नंबर लाइन पे ये हम लोग आगे देखते हैं हाँ तो मेथड क्या है हमारा पहला स्टेप्स जो है आइडेंटिफाई करना है टू इंटीजर्स को टू फिट द गिवन रेशनल नंबर इन बिटवीन देम देखो वन बाई टू था अब ये वन बाई टू ऐसा कौन दो इंटीजर्स है जिसके बीच में ये फिट करेगा ये हमें फाइंड आउट करना होता है तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है डेसिमल में चेंज कर दो ये जीरो पॉइंट फाइव है तो ये जीरो से ग्रेटर है और वन से लेस है तो दो इंटीजर्स जो हमारा आएगा वो जीरो और वन आएगा सेकेंड स्टेप्स डिनोमिनेटर क्या करता कहता है डिनोमिनेटर शो so करता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इनटू विच द फर्स्ट यूनिट हैज बीन डिवाइडेड देखो जीरो एंड वन इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है टू पार्ट्स में डिवाइड करना है जीरो और वन को टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया अब न्यूमिरेटर का क्या रोल है न्यूमिरेटर कहता है कि विच पार्ट वी हैव टू कंसिडर्ड हमें कौन सा पार्ट कंसिडर करना है वन बाई टू वन पहला पार्ट दैट इज फर्स्ट पार्ट दिस वन दिस इज द मेथड सी सेकंड एग्जांपल सबसे पहले हम लोग जीरो जो है डिनोट करेंगे राइट right साइड में वन टू थ्री फोर लेफ्ट साइड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री टू बाई एट इट विल लाई अगर डेसिमल में चेंज करते हैं इसे तो जीरो पॉइंट टू आएगा ठीक है तो ये जीरो और वन के बीच में है अब जीरो वन, वन के बीच में है, पहला स्टेप्स मेरा ओवर हो गया सेकंड स्टेप्स डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एट है इट मींस जीरो और वन के बीच में है, टोटल एट पार्ट्स होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट वी हैव टू टेक सेकेंड वन सेकेंड वन दिस विल बी टू बाई एट ओके एक और एग्जाम्पल देखते हैं थर्टीन बाई फाइव थर्टीन बाय फाइव सबसे पहला जीरो डिनोट करना है जीरो राइट साइड में वन टू थ्री फोर लेफ्ट साइड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अब जो है इसे हमें कंसिडर क्या करना कि किस इंटीजर्स के बीच में होगा तो देखो इसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फाइव टू पॉइंट सिक्स इटमीन्स ये दो और तीन के बीच में होगा ठीक है ये डेसिमल्स में हो गया अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टू थ्री बाई फाइव इट मींस दो के तो बाद होगा और तीन के पहले तो दो के बाद यहाँ दो के बाद हम लोग कंसीडर करेंगे थ्री बाय फाइव डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर विल शो हाउ मेनी पार्ट्स इनटू टू हाउ मेनी पार्ट्स दिस पोर्शन विल बी डिवाइडेड तो फाइव पार्ट्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव विच पार्ट वी हैव टू टेक थर्ड वन वी हैव टू टेक थर्ड वन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिस विल बी थर्टीन बाय ओके आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी वेल अब हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाइज करेंगे अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर का तो नेचुरल नंबर का देखते हैं सेवन एंड नाइन सपोज दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन सेवन एंड नाइन सेवन और नाइन के बीच कितने रेशनल नंबर है एक वन नेचुरल नंबर केस में वेरी इजी टू फाइंड आउट अगर इसी तरह से होल नंबर के बीच भी आएगा अगर हम लोग करें, तो एक जीरो लेंगे और दूसरे नंबर माइनस थ्री माइनस फोर इसी तरह से प्रोसीड करेगा राइट right साइड में पॉजिटिव नंबर काउंटिंग नंबर ठीक है तो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देर बिटवीन माइनस फाइव एंड फोर माइनस फाइव इसको और आगे बढ़ाएंगे -5 एंड 4 तो हाउ मेनी इंटीजर्स है देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये बहुत इजी है हमें कैलकुलेट करना अब बताओ अगर रेशनल नंबर जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर से आपको से पूछा जाए 3/10 एंड 7/10 के बीच कितने रेशनल नंबर या नंबर्स होंगे तो कैन यू फाइंड इट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ओके बट इन

एवरेज या मीन दो नंबर के बीच का मीन निकालते हैं ठीक है अब देखो हम लोग अगर बात करें थ्री एंड और टेन के बीच में थ्री और टेन के बीच में कितने नंबर्स होंगे तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये बहुत आसान हुआ कहना क्यों आसान हुआ क्योंकि थ्री को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्री बाय वन टेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेन बाय वन में ठीक है ये P by Q के फॉर्म में हो गया कन्वर्ट अब जब डिनोमिनेटर इसका सेम है इसलिए इसको फोर बाय फाइव 1, वन सिक्स बाई वन सेवन 1, वन एट बाई वन एंड नाइन 1 वन भी खा सकते हैं ओके अब इसी से हम लोग कोरिलेट करते हैं दूसरा एग्जांपल को अगर हमसे पूछा जाए माइनस फाइव बाई सिक्स और फाइव बाई एट के बीच में कितने नंबर्स है या कितने रेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर पहले हम लोग सेम करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों सिक्स और एट का एल लेंगे सिक्स और एट का एल हम लोग अभी देखे भी थे पहले भी कि किस तरह से डिनोमिनेटर सेम किया जाता है थ्री फोर ट्वेंटी फोर एल सी एम ट्वेंटी फोर हुआ तो डिनोमिनेटर में ट्वेंटी फोर आना चाहिए डिनोमिनेटर में ट्वेंटी फोर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो जब डिनोमिनेटर में फोर से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिमिलरली फॉर दिस एट इंटू थ्री फाइव इंटू थ्री अब हमारे पास क्या आ गया माइनस ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फोर एंड फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फोर तो कितने रेशनल नंबर है माइनस ट्वेंटी बाई ट्वेंटी फोर और फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फोर के बीच में माइनस नाइनटीन बाई ट्वेंटी फोर माइनस एटीन बाई ट्वेंटी फोर माइनस सेवेंटीन बाई ट्वेंटी फोर इस तरह से हम लोग जीरो तक आएंगे उसके बाद वन बाय ट्वेंटी फोर टू बाई ट्वेंटी फोर एंड विल प्रोसीड टिल 14 बाय ट्वेंटी फोर सो दिस मच रेशनल नंबर इज देयर बिटवीन माइनस ट्वेंटी बाय, इज बिटवीन माइनस फाइव बाय सिक्स एंड फाइव बाय एट लेकिन बस इतना ही नहीं है अब देखो ये दो नंबर के बीच भी एक रेसनल नंबर आएगा कुछ रेशनल नंबर आएंगे उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों के बीच भी कुछ रेशनल नंबर आएगा इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते ही चले जाएंगे देखो ये दोनों के बीच क्या नंबर आ सकता है? दोनों का मीन जैसे वन और टू के बीच अगर मीन निकालते हैं तो जीरो पॉइंट फाइव आता है ठीक है अब जीरो पॉइंट फाइव और वन के बीच निकालेंगे तो एक और, जीरो और जीरो पॉइंट फाइव के बीच मीन निकालेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा इस तरह से नंबर्स जो है अनडिफाइंड है इन्फिनिटी नंबर कैन बी देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर ओके लेट सी द मीन प्रोसेस हम लोग मीन प्रोसेस से कैसे फाइंड आउट करेंगे सपोज करो हमें फाइंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है वन बाय फोर और वन बाय टू के बीच में ठीक है तो सपोज दिस इज जीरो एंड दिस इज वन वन बाय टू यहां पर है बिल्कुल सेंटर पे एंड वन बाय फोर इज अगेन बिटवीन जीरो एंड वन बाय टू दिस इज वन बाय फोर अब ये वन बाय फोर और वन बाय टू के बीच में भी कई सारे रेशनल नंबर होंगे तो ये दोनों का सेंटर निकालेंगे सेंटर यानी मीन दोनों का जब मीन निकालेंगे मीन निकालने का तरीका क्या होता है दोनों को एडअप कर दो, दोनों को एडअप करो और फिर डिवाइड करो टू से तो ये एलसीएम लेंगे वन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर ये लाइन डिवाइड का होता है डिवाइड थ्री बाय फोर डिवाइड में को इनटू में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वन बाई टू दिस विल बी थ्री बाई एट थ्री बाई एट कहां पे आएगा हमारा ये दोनों के बीच में वन बाय फोर और वन बाय टू के सेंटर में क्यों सेंटर में क्योंकि हमने मीन निकाला है मीन निकाला है, इसलिए यहां पे थ्री बाई एट आएगा अब हम लोग फिर से निकाल सकते हैं वन बाय फोर और थ्री बाई एट के बीच में एक और रेशनल नंबर आएगा दोनों का मीन निकालेंगे तो दोनों का मीन बाय टू तो इस तरह से वन बाय फोर प्लस थ्री बाई एट थ्री बाई एट वन बाय फोर और थ्री बाय एट के बीच में यहां पे आएगा फाइव बाई सिक्सटीन अब फाइव सिक्सटीन और थ्री बाय एट वन बाय फोर फाइव बाय सिक्सटीन इसके बीच भी आएगा रेशनल नंबर तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी बिटवीन टू रेशनल नंबर और तरीका क्या है निकालने का वो हम देख लिये या तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो या फिर मीन निकालो देखो डिनोमिनेटर जब हमने निकाला था तो क्या हुआ था पॉसिबिलिटीज क्या था डिनोमिनेटर जैसा माइनस फोर बाई टू सॉरी फोर बाई टू सॉरी टू बाई थ्री एंड फाइव बाई थ्री के बीच निकालना हो तो लिमिटेड थ्री बाई थ्री फोर बाई थ्री अब लिमिटेड है इससे ज्यादा नहीं पता चल रहा हमें इसलिए हम लोग फिर मीन मेथड की ओर आते हैं इसका मतलब अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फाइंड द टू रेशनल नंबर बिटवीन टू बाई थ्री एंड फाइव बाई थ्री तो दो रेशनल नंबर हम लोग आराम से बता सकते हैं लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन टू बाई थ्री एंड फाइव बाई थ्री तो हम लोग फोर रेशनल नंबर पूछा गया है तो दो रेशनल नंबर तो डिनोमिनेटर कॉमन है इसलिए हो गया और दो मेन मेथड से हमें फाइंड आउट करना होगा दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर ओके रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड फाइंडिंग ऑफ नंबर बिटवीन रेशनल नंबर थैंक यू स्टूडेंट